Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm dear students. Welcome back to the class. आज हम लोग क्लास 7 के एक नए चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं. चैप्टर नंबर 5, लाइन एंड एंगल्स. ठीक है, तो इसमें हमारा पहला टॉपिक होगा रिलेटेड एंगल्स. तो चलिए हम शुरू करते हैं. तो प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए एक एग्जाम्पल के तौर पर एक एंगल ड्रा कर रहा हूँ. फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास एक एंगल है, एंगल पी क्यू आर. ठीक है, जो लेफ्ट, ये 50 डिग्री है. ठीक है, और हमारे पास एक और एंगल है, फॉर एग्जाम्पल दिस वन. एंगल ए बी सी, ठीक है, और ये एंगल है 40 डिग्री. ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने दो एंगल्स ड्रॉ किए हैं. एक है हमारे पास एंगल पी क्यू आर जो कि 50 डिग्री का है, और जो दूसरा एंगल है वो है हमारे पास एंगल ए बी सी जो कितने डिग्री का है, 40 डिग्री का है, और ये दोनों एंगल्स एक्यूट एंगल हैं. अब चलिए हम इनके बीच में रिलेशन को देखते हैं. अगर हम इस दो एंगल्स को सम करते हैं तो वो कितना बनेगा, 40 डिग्री प्लस 50 डिग्री इक्वल टू कितना हो गया, 90 डिग्री. तो बच्चों, जब भी कोई दो एंगल का सम जो है 90 डिग्री हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि वो दो एंगल जो है वो है कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. ठीक है, वो एक दूसरे से क्या है, कम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे का. यानी सबसे पहले हमारे पास आ गया कम्प्लीमेंट्री एंगल्स. कम्प्लीमेंट्री एंगल्स हम किसको कहते हैं, कम्प्लीमेंट्री एंगल हम उन दो एंगल्स को कम्प्लीमेंट्री कहेंगे अगर उन दोनों का सम जो है वो कितना होगा, 90 डिग्री का होगा, तो हम उसको क्या कहेंगे, वो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स है. तो यहाँ पे एंगल पी क्यू आर जो है वो कम्प्लीमेंट्री है एंगल ए बी सी का. चलिए एक और एग्जाम्पल मैं ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे. फॉर एग्जाम्पल, ये है हमारे पास 140 डिग्री का, ये एंगल है हमारे पास 140 डिग्री का एंगल टी यू पी या टी यू एम. ठीक है, ये हमारे पास एक और एंगल हो गया जिसका नाम है एंगल टी यू एम जो कितने डिग्री का है, 140 डिग्री का. अब ये एंगल और इस एंगल को आप कंपेयर कर दीजिए. अगर हम इन दोनों एंगल को, एंगल पी क्यू आर और एंगल टी यू एम को सम करते हैं तो कितना होगा, ये होगा 140 डिग्री प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 190 डिग्री. सॉरी, अगर ये 130 होगा, ठीक है, अगर ये कितने डिग्री का होगा, 130 का होगा, तो कितना होगा ये, 130 डिग्री प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक, तो जब दो एंगल का सम 180 डिग्री होते हैं तो उन दो एंगल्स को हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स. क्या कहते हैं उनको हम, सप्लीमेंट्री एंगल्स. तो आप लोगों को सप्लीमेंट्री और कम्प्लीमेंट्री एंगल समझ में आ गया. ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल ड्रा करता हूँ. ओके, चलिए मैंने यहाँ पे एक और डायग्राम ड्रॉ किया है जिसमें हमारे पास दो एंगल है. एक है हमारे पास एंगल ए बी सी, ये वाला एंगल, और दूसरा एंगल है हमारे पास सी बी डी. यहाँ पे दो एंगल्स हैं, एंगल ए बी सी और एंगल सी बी डी. इन दो एंगल्स में कुछ चीज़ें हैं जो इसको एक स्पेशल एंगल बनाते हैं. ठीक है, वो क्या चीज़ है, सबसे पहले तो इन दोनों एंगल्स का, एंगल ए बी सी और एंगल सी बी डी में
जो वर्टेक्स है दोनों का क्या है, सेम है, सेम वर्टेक्स, दोनों का वर्टेक्स जो है क्या है, सेम है, यानी बी है, ठीक। और दूसरा, इन दोनों का अगर हम आर्म्स देखते हैं, तो एंगल एबीसी का आर्म कौन सा है, एक आर्म हो गया बीए, दूसरा आर्म हो गया बीसी, ठीक। इसी तरह से एंगल सीबीडी का दो आर्म है, एक आर्म है बीसी, दूसरा आर्म है बीडी। तो आपने ये देखा कि इन दोनों एंगल्स में एक आर्म कॉमन है, ठीक है, एक कॉमन आर्म, दोनों के बीच में एक क्या है, एक कॉमन आर्म भी है, जो कि इस केस में कौन सा है, बीसी। बीसी एक क्या है, कॉमन आर्म है इन दोनों एंगल्स का। और थर्ड पॉइंट, जो नॉन कॉमन आर्म्स है, यानी इन दोनों का जो कॉमन नहीं है, वो वाले आर्म्स जैसे कि बी ए और बी डी, वो दोनों जो कॉमन आर्म है उसके अदर साइड्स में है, यानी एक एक तरफ और दूसरा दूसरी तरफ है, ठीक है। जो नॉन कॉमन आर्म्स है आर ऑन द आइदर साइड्स, आर ऑन द अदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म। यानी जो नॉन कॉमन आर्म्स है वो हमारे कॉमन आर्म्स के एक इस तरफ है और दूसरा दूसरी तरफ, यानी दोनों एक ही तरफ नहीं है। तो इस तरह के दो एंगल्स को जिसमें ये तीन कंडीशंस हो, उसको हम कहते हैं एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है बच्चों। किसको कहते हैं एडजेसेंट एंगल्स? एडजेसेंट एंगल्स हम उन दो एंगल्स को कहेंगे जिसमें ये तीन पॉइंट सेटिस्फाई होता हो। पहला, कि उन दोनों का एक कॉमन वर्टेक्स हो, दूसरा उन दोनों का एक कॉमन आर्म हो, और तीसरा जो नॉन कॉमन आर्म्स है वो कॉमन आर्म के दोनों साइड्स में हो, ठीक है। इसमें आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि ये एक एंगल है एक्स वाई जेड, ठीक है, ये एंगल है एक्स वाई जेड, और एक दूसरा एंगल है फॉर एग्जांपल एस वाई टी, ठीक है। यहाँ पे मैंने दो एंगल्स बनाए, एक एंगल मैंने बनाया एक्स वाई जेड और एक एंगल बनाया मैंने एस वाई टी। क्या ये दो एंगल्स जो है वो एडजेसेंट एंगल्स हैं? तो क्या इसमें हम देखेंगे कि ये तीन पॉइंट को स्पेसिफाई करते हैं कि नहीं करते हैं? पहला है, इन दोनों का वर्टेक्स सेम होना चाहिए, वर्टेक्स सेम है, इसमें क्या है एक्स वाई जेड में वर्टेक्स है एक्स, इस एंगल में एक्स वाई टी में भी वर्टेक्स क्या है वाई, दोनों का वर्टेक्स क्या है सेम है, यानी पहला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब दूसरा, क्या इनमें कॉमन आर्म है? इसके दो आर्म्स हो गए वाई जेड और वाई एक्स, इसके दो आर्म्स हो गए वाई एस और वाई टी, तो इसका मतलब इसका कोई कॉमन आर्म नहीं है, तो इसका मतलब ये दो एंगल जो है वो एडजेसेंट एंगल्स नहीं है, ठीक है। इसी तरह से एक और एग्जांपल, फॉर एग्जांपल ये वाला एक ट्रायंगल एंगल है, एंगल एल ए एम, ये एक क्या है हमारे पास एंगल है, ठीक, ये बड़ा वाला एंगल एल ए एम। एक और एंगल है ये वाला एंगल एक्स ए एम, ये वाला एंगल छोटा वाला, इसमें मैंने दो एंगल्स बनाए हैं, एक है एंगल एल ए एम ये बड़ा वाला और एक एक्स ए एम ये छोटा वाला एंगल। क्या ये दो एंगल्स एडजेसेंट एंगल है? ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। पहला पॉइंट, क्या इनमें एक कॉमन वर्टेक्स है, सेम वर्टेक्स है इन दोनों का? तो आप देखिए इसमें एल ए एम का वर्टेक्स हो गया ए, एक्स ए एम का भी वर्टेक्स हो गया ए, तो इन दोनों में एक कॉमन वर्टेक्स है, ठीक, यानी पहला कंडीशन जो है सेटिस्फाई कर दिया। अब दूसरा कंडीशन, क्या इसमें एक कॉमन आर्म है इन दोनों का? तो जो पहले वाला है एंगल एल ए एम, इसका आर्म कौन कौन से है, ए एल एक आर्म हो गया यहाँ से हम, और दूसरा आर्म है ए एम, ठीक,
इसी तरह से एंगल एक्स ए एम का दो आर्म्स कौन से हैं, एक है ए एक्स और दूसरा है ए एम। तो इन दोनों में एक कॉमन आर्म है, ए एम दोनों में क्या है, कॉमन आर्म है, यानी सेकंड वाला कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया। अब हम देखते हैं थर्ड वाला, क्या इसका जो नॉन कॉमन आर्म्स है वो कॉमन आर्म के दोनों एक दूसरे साइड में और एक दूसरे साइड में है कि नहीं है, यानी जो इसका कॉमन आर्म हो गया वो हो गया ये ए एम वाला, और जो नॉन कॉमन आर्म्स है वो है एक ए एल और दूसरा है ए एक्स। लेकिन ये दोनों कहाँ पे हैं, जो कॉमन आर्म है उसके एक ही सेट में है, तो ये थर्ड वाला स्पेसिफाई नहीं हुआ। इसका मतलब ये दो एंगल्स जो है वो दोनों एडजेसेंट एंगल्स नहीं है। ठीक है, तो समझ में आया कि आप लोगों को एडजेसेंट एंगल किसको कहते हैं। ओके चलिए, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं, दो एंगल्स को हम तब कहेंगे कि वो लीनियर पेयर में है जब वो दोनों सप्लीमेंट्री भी हो और एडजेसेंट भी हो। मतलब क्या हुआ, सप्लीमेंट्री किसको कहते हैं, दो एंगल्स को हम तब सप्लीमेंट्री कहते हैं जब उसका सम कितना हो, 90 हो, और दो एंगल्स को हम एडजेसेंट कब कहते हैं, तब कहते हैं जब वो इन तीन पॉइंट को स्पेसिफाई करते हैं। यानी फॉर एग्जाम्पल ये वाला, यहाँ पे मैं दो एंगल्स बनाता हूँ, एंगल एम ओ टी और एम ओ पी। ठीक है, एक ये है एम ओ पी, एक है एम ओ टी। एम ओ पी लेट इट इज 150 डिग्री, ठीक है 160 चलो, ठीक, और ये है 20 डिग्री। तो ये हमारे पास दो एंगल्स आ गए, एक है हमारे पास 160 डिग्री का एम ओ पी और दूसरा है हमारे पास 20 डिग्री का एम ओ टी। ये दो एंगल्स क्या सप्लीमेंट्री है, किसको कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स, जब इनका सम 180 होगा तो हम सप्लीमेंट्री कहेंगे। तो ये कितना है 160 है, ये कितना है 20 है, तो इन दोनों का सम कितना हो गया 180 हो गया। इसका मतलब ये जो दो एंगल्स है वो क्या है, सप्लीमेंट्री है। अब ये दोनों क्या एडजेसेंट एंगल हैं, एडजेसेंट एंगल किसको कहते हैं, एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे ओ है दोनों में कॉमन वर्टेक्स, ठीक, एक कॉमन आर्म होना चाहिए, ये वाला आर्म ओ एम दोनों में कॉमन आर्म है, और जो नॉन कॉमन आर्म्स है वो कॉमन आर्म्स के अदर साइड्स में होना चाहिए। ये हमारे कॉमन आर्म है, एक इस तरफ है और एक इस तरफ है, इसका मतलब ये क्या हो गया हमारा एक एडजेसेंट एंगल भी है, ये दोनों एंगल एडजेसेंट भी है और दोनों सप्लीमेंट्री भी है, तो इसको हम कहते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, तो इसके साथ आज का हमारा ये टॉपिक हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सब कुछ समझ में आ गया होगा।